सर, माय नेम इज़ रॉनी इनोफाइल, आई एम फ्रॉम साउथ कैंपस, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर सिनेमा के बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बदलाव हमें देखने को मिलता क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पर हर तीसरी चौथी फिल्म जो होती है प्यार मोहब्बत के बारे में ही होती है, और क्रिएटिविटी का आंकड़ा इतना कम क्यों है? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो कृपया प्लीज़ आंसर दीजिए। एक तो मुझे लग रहा है हर तीसरी चौथी तो नहीं, पर आपको हर ग्यारहवीं या बारहवीं फिल्म तो एक अच्छी देखने को अब आजकल मिल रही है। दैट यू कांट से कि आपको नहीं मिल रही है। सही बात है, हर ग्यारहवीं बारहवीं फिल्म तो आपको देखने के लिए मिल रही है। और क्रिएटिविटी का इतना कम आंकड़ा क्यों है, मैं फिर बोलूँगा, उसके लिए आप और मैं रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं, तो वही जो हम चाहेंगे, वही जो हमारा चेहरा वही सामने दिखाई देने वाला है। सर, मेरा नाम अंकित है, मैं आइजोम से ही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि बदलाव जो है वो तो शाश्वत सत्य है, लेकिन जैसे टेस्ट मैच, फिर वन डे, 2020, तो ये जो 3 घंटे की फिल्म है, तो इसके बाद क्या आप कोई शॉर्ट फिल्म को लेके कोई लोकप्रिय दौर आने वाला है या चलेगा? फिल्मों का 2020 कब होगा? हाँ जी फिल्मों, शॉर्ट फिल्म सर। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक शॉर्ट फिल्म का एक मार्केट होना बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री में। जैसे शॉर्ट स्टोरीज का जो रस है वो कभी आपको नॉवल या नॉवल में नहीं मिलेगा। शॉर्ट स्टोरी का जो पंच होता है 3 पेज का 5 पेज का और लास्ट लाइन में जो एक ट्विस्ट से पूरी बात बदल जाती है, आई थिंक उस तरह का एक शॉर्ट फिल्म्स का होना चाहिए। पर उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। पर आज भी अगर कोई फिल्म मेकर चाहे, मेरा बड़ा मन है, मैं आपको खुद बताऊँ कि मैं मंटो की शॉर्ट स्टोरीज लेके मैं पूरी एक सीरीज क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिसको थिएटर में रिलीज कर सकूँ। तो हर ये, और ये बड़ी पर्सनल चॉइस है, पर शॉर्ट फिल्म्स का सच में मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और अगर ऐसा दौर आएगा तो मैं बिल्कुल उसको सबसे पहले आगे आऊँगा उसके लिए। हाँ प्लीज। सर, मेरा नाम चंद्र प्रकाश पांडे है, मैं जागरण इंस्टीट्यूट से हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपने लीक से अलग हटकर फिल्म बनाने का एक दौर शुरू किया, तो क्या उसके पहले आप आश्वस्त थे कि ये मतलब इसमें हमको सफलता मिलेगी या ऑडियंस इसको स्वीकार करेगी? उस होप के साथ तो चलना ही पड़ता है, नहीं तो यार आपको पैसा ही नहीं देगा कोई। आप तो पहले पैसे वाले को आपको होप देनी पड़ती है कि आएगा पैसा वापस, पूरा वापस आएगा और थोड़ा प्रॉफिट भी आएगा। तो होप तो ऑब्वियसली होती है, तभी आप काम करते हो, विदाउट होप तो आप कर नहीं सकते हो। पर ये है कि वो लीक से हटके होंगी, ये मुझे आज तक अभी तक अपने बारे में समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो ऐसी बात कह रहा हूँ जो कि सबकी समझ में आनी चाहिए, पर बहुत कम लोगों की समझ में आती। सर, गुड आफ्टरनून सर, दिस इज यश मिश्रा फ्रॉम मार्वल स्टूडियोज। कैमरा लटकाया हुआ, फोटो भी खींच रहे हैं साथ में। जी सर। अच्छा सर, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट अलोंग विद मेकिंग फिल्म्स लाइक मकबूल एंड ओमकारा, हाउ वर यू एबल टू मैनेज वेल विद द किड्स विद फिल्म्स लाइक मकड़ी एंड द ब्लू अम्ब्रेला, बिकॉज यू आर वन ऑफ द दोज डायरेक्टर्स लाइक शेखर कपूर एंड अमोल गुप्ते हु हैव स्ट्राइक्ड वेल विद बोथ द एडल्ट कंटेंट एंड द चिल्ड्रन कंटेंट एज वेल, हाउ? आई थिंक अगेन यू नो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बबिकॉज मैंने 8 फिल्में जो बनाई हैं मेरी, उसमें लास्ट फिल्म जो थी वही एक फिल्म यूए हुई है, या तो सारी फिल्म एडल्ट्स थी या वो बच्चों के लिए थी, तो बीच का मुझे रास्ता पहली बार ये मिला। तो आई थिंक मुझे बच्चों के लिए काम करने में बहुत मज़ा आता है, और एज ए फिल्म मेकर आप चाहते हैं कि आप हर जॉनर में जा सकें, क्योंकि बड़ा मज़ेदार मीडियम है। नहीं यार, इट्स व्हाट काइंड ऑफ फिल्म यू वांट टू मेक, यू मेक दैट फिल्म, एज सिंपल एज दैट। आपको विशाल के चेहरे पर बचपना नहीं दिख रहा है? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले कॉमेडी मूवीज आती थी तो एक पूरी फैमिली एक साथ देख सकती थी, पर आज की कॉमेडी मूवीज में इतनी वल्गैरिटी होती है कि एक फैमिली एक साथ नहीं देख सकती है। विशाल, मैं तो आप क्या चाहते हैं सही आपसे, कि जैसे हम लोग जिस जनरेशन, मेरे लिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडीज थी, मतलब गोलमाल अल्टीमेट है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। अब कभी कभी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, इतना कॉमेडी कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देखना कभी कभी। या आई थिंक इट इज़ वेरी सैड, आई मीन इट्स वेरी सैड, और कॉमेडी के नाम पे वो वल्गैरिटी तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। आई थिंक
इसका मैं कैसे जवाब दूं इस चीज का, बिकॉज दिस इज अ डिग्रेडेशन ऑफ द होल सोसाइटी. इट्स नॉट अबाउट द फिल्म मेकर, क्योंकि या तो उस फिल्म को इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया जाए. अब जैसे सॉरी टू से इफ यू टॉक अबाउट पोर्नोग्राफी, ओके, इट एग्जिस्ट, एवरीवन वॉचेस इट एंड नोबडी वॉचेस इट इन देयर पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स, एवरीबडी वॉचेस इट, बट यू डोंट ब्रिंग इट टू द थिएटर. बट देयर आर पीपल हु गो एंड वॉच दिस वल्गर comedy films in theater and make them successful. When they are successful, the people who are putting in money or who are making them, they think if we make these kind of films, they certainly bring in money. So it's a degradation of society. What how can I answer this question? Because I'm also part of you. I feel very sad when I see those films. When you see a double meaning film, I feel pathetic. ओमकारा को लेके जब हुआ मेरे ऊपर, कम से कम इस देश में 50 केस हुए कि आपने गालियों का इतना यूज किया है. मैं दूसरी फिल्म को रिसर्च के लिए, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे उनके घर गया, वो मुझसे नज़र मिला के बात नहीं कर रहे थे. थोड़ी देर बाद वो जो बैठे थे उनको बोलते हैं ये वो हैं जिन्होंने देश में गालियों कल्चर लेके आए. आई वॉज अपॉल्ड कि आप एक डबल मीनिंग की फिल्म आप देख के हंस के कर सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई आर वी सो हिपोक्रेट एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ अस दैट जब सड़क पर जिस तरीके से बात होती है आप वो दिखाएं ना, आप आंखें बंद करना चाहते हैं और तब दूध पीना चाहते हैं. जो एक रियलिटी है, अगर आपको चॉइस दी जा रही है, जैसे ओमकारा का मैं बोलता हूँ कि वो एडल्ट फिल्म है, और अगर आपको, मेरा मानना था कि उन गालियों में भी और उस अप्रोच में भी मैंने बिल्कुल भी टिटिलेट करने के लिए या लोगों को मजा देने के लिए वो गालियां नहीं की थी. लेकिन फिर भी विशाल लोग कहेंगे ना कि भाषा की कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा होती है. आप वही मैं बोल रहा हूँ, देखिए वो बड़ी थिन लाइन है, वो बहुत ही थिन लाइन है, क्योंकि मुझे ओमकारा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है और बाकी अवार्ड छोड़िए, मुझे उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है और मुझे उसके लिए बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में, I mean, there was some poetry in that. And I think it's a matter of intention more than anything. It's a matter of intention. अगर सेम चीज आप, अगर आपकी इंटेंशन सही है तो वो आपको चीज वल्गर नहीं लगेगी. अगर आपकी इंटेंशन ही वल्गर है तो वो आपको वल्गर लगेगी. मैं आपकी इन द सेंस में फिल्म मेकर की बात कर रहा हूं कि फिल्म मेकर की इंटेंशन अगर वल्गर है तो वो लगेगी, और फिर जो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. हाँ, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, प्लीज जल्दी से पूछेगा. तो एक दूसरे को माइक में बार बार रिपीट कर रहा हूँ.